हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फाइलम पॉरीफेरा स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम जर्नल कैरेक्टर इसके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ सेलुलर लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नो डिस्टिंक्ट टिश्यू और ऑर्गन्स। दैट मीन्स जो पॉरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, और जो उनकी बॉडी होती है उसमें सेल प्रेजेंट होती है और टिश्यू और ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। इसीलिए हम इसको लोअर नॉन कॉर्डेट में भी रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोस्टली मैराइन ए फ्यू फ्रेश वाटर ऑल एक्वेटिक सोलिटरी और कॉलोनियल ऑल सेसाइल। दैट मीन्स पॉरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो सभी एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैराइन वाटर में पाए जाते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। सोलिटरी मीन्स ये सिंगल यानी कि अकेले भी रह सकते हैं। कॉलोनियल मीन्स कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं। और सेसाइल मीन्स ये समुद्र तट से चिपके रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बॉडी फॉर्म वेश लाइक सिलेंड्रिकल ट्यूबलर क्वेश्चन शेप्ड मैनी ब्रांचेस्ड ईटीसी। दैट मीन्स जो पॉरीफेरा के मेंबर्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंडर लाइक भी हो सकती है, ट्यूबलर लाइक भी हो सकती है, और कुछ एनिमल की ब्रांचेस लाइक भी हो सकती है। सिमेट्री रेडियल और नॉन सिमेट्री, दैट मीन्स सिमेट्री जो होगी वो रेडियल सिमेट्री होगी। हमने सिमेट्री को फर्स्ट जब फाइलम किया था उसमें डिस्कस किया था अच्छे से, और जो सिमेट्रिक होगी वो रेडियल होगी, अदरवाइज एसिमेट्री होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बॉडी वॉल विद आउटर पिनेकोडर्म डर्मल एपिथीलियम। दैट मीन्स जो इनकी आउटर लेयर होती है उसको हम पिनेकोडर्म बोलते हैं, और पिनेकोडर्म जो है वो डर्मल एपिथीलियम की बनी होती है। इनर कोनेकोडर्म गैस्ट्रल एपिथीलियम, और जो इनर लेयर होती है उसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, सॉरी कोनेकोडर्म बोलते हैं, और ये जो कोनेकोडर्म होती है वो गैस्ट्रल एपिथीलियम की बनी होती है। एंड जेलिटीनियस नॉन सेलुलर मेसेनकाइम इन बिटवीन। पिनेकोडर्म और कोनेकोडर्म के बीच में एक जेली लाइक नॉन सेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेसेनकाइम। मेसेनकाइम कंसिस्ट ऑफ स्केलेटन एलिमेंट्स एंड फ्री एमीबॉइड सेल। दैट मीन्स मेसेनकाइम में बॉडी फॉर्मेशन के लिए स्केलेटन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और एमीबॉइड सेल भी प्रेजेंट होती है। एमीबॉइड सेल किस चीज में हेल्प करती है, रीजनरेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है सेल लूजली अरेंज एंड डू नॉट फॉर्म डिफाइंड लेयर, हैंस रिगार्डेड नॉट ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स तीन एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, तीन में से दो एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती है और एक एम्ब्रियोनिक लेयर एब्सेंट होती है। जो दो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, आउटर लेयर जो होती है वो एक्टोडर्म होती है, जो इनर लेयर होती है वो एंडोडर्म होती है, और जो हमारी एक लेयर एब्सेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीजो डन। तो जिन एनिमल में ये दोनों लेयर प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और जिनमें ये तीनों लेयर प्रेजेंट होगी उसे हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर एनिमल। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी विद मैनी पोर्स ऑस्ट्रिया कैनाल्स एंड चैम्बर्स दैट सर्व फॉर द फ्लो ऑफ वाटर। दैट मीन्स जो इनकी बॉडी होती है उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया जो है वो वाटर को अंदर आने में हेल्प करता है। वन और मोर वाटर एग्जिट और ऑस्कुला प्रेजेंट, मतलब जो वाटर बाहर जाता है वो ऑस्कुला के थ्रू जाता है। दैट मीन्स जो वाटर की एंट्री होगी वो ऑस्ट्रिया के थ्रू होगी और जो वाटर एग्जिट होगा वो ऑस्कुला के थ्रू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कोनेकोसाइट्स और फ्लैजेलेटेड कॉलर सेल यूजली लाइन स्पेशल चैम्बर्स। दैट मीन्स जो कोनेकोसाइट्स होते हैं उन्हें हम फ्लैजेलेटेड कॉलर सेल भी बोलते हैं, और ये एक स्पेशल चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्ज आर द ओनली मेटाजेंस हैविंग कोनेकोसाइट, मतलब कोनेकोसाइट्स जो होती है वो मेटाजेंस में प्रेजेंट होती है और स्पॉन्ज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेशन इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मींस विद इन बॉडी, और एंड नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव।
नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव मीन्स जो इनका नर्वस सिस्टम होता है वो फुली डेवलप्ड नहीं होता. नेक्स्ट पॉइंट है ऑल स्पर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द रूल. हर्माफ्रोडाइट मीन्स मेल और फीमेल सेल विद इन ए सिंगल बॉडी, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन मीन्स एक ही एनिमल में दोनों मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं बट वो आपस में फ्यूजन ना करके क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना करके क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बड्स एंड जेम्यूल्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो बर्ड्स और जेम्यूल्स के थ्रू होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ओवा एंड स्पर्म, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो ओवा और स्पर्म के थ्रू होगा. ऑल्सो रीजनरेशन पावर, जो पोरीफेरा के मेंबर होते हैं उनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है. नेक्स्ट पॉइंट है क्लीवेज होलोब्लास्टिक. होलोब्लास्टिक मीन्स कंप्लीट क्लीवेज, मतलब एक एम्ब्रियो को दो भाग में कंप्लीटली डिवाइड करना. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थ्रू ए फ्री स्विमिंग स्लेटेड लार्वा द एम्फीब्लास्टुला और पेरेन काइमुला. दैट मीन्स कि जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करके ये दो भाग में डिवाइड होते हैं, फिर वो जो लार्वा बनते हैं और उन लार्वा को हम क्या बोलते हैं, एम्फीब्लास्टुला और पेरेन काइमुला. ये यहाँ पे आपके जर्नल पॉइंट जो है वो कंप्लीट होते हैं. जर्नल पॉइंट आपको प्रैक्टिकल में भी हेल्प करते हैं और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मॉर्फोलॉजी में भी हेल्प करते हैं, तो आप इसको अच्छे से रीड करें. अब नेक्स्ट पॉइंट में हम करेंगे साइकन का वाटर कैनाल सिस्टम. थैंक यू स्टूडेंट.